मोदी लहर समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। हाँ, अब सदा सदा के लिए समाप्त, अब नई लहर। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वहाँ से क्लीन ये हो गया, जो भी सीट आई है उसमें मोदी जी का असर जरूर है। ये मोदी लहर एक हवा बनाया गया है, बहुत समझ जाइए। मोदी लहर, मोदी लहर, मोदी लहर कुछ नहीं। 24 में फिर नरेंद्र मोदी ना, वही ऐवे करेंगे, कोई सवाल उठता आप सब कुछ पूछे, खुद आप बताइए। तो आप स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया वहाँ, महंगाई भी थोड़ा था और इस वजह से वहाँ कांग्रेस अपना, और वहाँ है कि हर 5 साल में सत्ता चेंज हो जाती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, यही फैक्ट काम किया, यही फैक्टर काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां पर नतीजा है जो सामने आ गया है, और वहां कांग्रेस से जो मेजोरिटी के साथ सरकार बनाए, और वहीं बात करें तो हम लोगों से सिर्फ इतना जानेंगे कि जो कर्नाटक में क्या मोदी लहर नहीं चला, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कई सभा किए, हम लोगों से यही सिर्फ जानेंगे। सर, कर्नाटक विधानसभा का आप चुनाव का नतीजा जान रहे हैं? हम तो नहीं जान रहे हैं। वहाँ कांग्रेस की मेजोरिटी हुई, कांग्रेस की सरकार बनी तो अच्छा बात न है। तो क्या मोदी लहर नहीं चला, जिस तरह से कहा जाए कि बीजेपी वाले कहते हैं मोदी लहर है, कर्नाटक में भी बीजेपी जीते? वो लहर कहाँ चल गया वो तो बात हम लोग नहीं बता सकते हैं। अपना ओपिनियन रखिए, क्यों क्यों बीजेपी को हार मान मान। देखिए, सब दिन एक समान नहीं होता किसी का, सूरज अगर उगता है तो अस्त भी होता है। और समाज में मान के चलिए कि देश में इतना महंगाई हो गया है कि लोग अस्त व्यस्त हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि हर जगह ऐसा ही होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें कैसे क्या लग रहा है? ऐसा ही होगा, चेंज वहाँ पर एकदम बिल्कुल बिल्कुल 2024 में चेंज। हाँ बिल्कुल। आपका क्या ओपिनियन है 2024, जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव हुआ, नतीजा सामने आया, क्या मोदी लहर नहीं चला पाया वहाँ कर्नाटक में? मोदी लहर समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। हाँ, अब सदा सदा के लिए समाप्त, अब नई लहर, युवाओं का लहर, कांग्रेस का लहर, हाँ। और विपक्षी दल का लहर चलेगा, विपक्षी एकजुटता का, नीतीश कुमार का मुहिम। हाँ, पूरा मुहिम एकदम अब पकड़ ले गांधी। 2024 से केंद्र सरकार को भी उखाड़ बदल गया, अभी समझिए बदल गया। हाँ, आप अपना ओपिनियन दीजिए, क्या है कर्नाटक में कि मोदी लहर? हम लोग राजनीति ओपिनियन में, अपना ओपिनियन थोड़ा बताइए ना, मोदी लहर कर्नाटक में क्यों बीजेपी को हार मिली? स्थानीय जो परिस्थिति होती है, वोटिंग उस पर भी होता है। हो सकता है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वहाँ पे जो नेता है वो डिलीवर नहीं किया होगा राज्य में, उसका भी असर हो सकता है चुनाव में। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि कोई प्रधानमंत्री इतने सभा कर रहे हैं कहीं पर चुनाव में, तो ये तो कोई फैक्ट नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वहाँ से क्लीन ये हो गया, जो भी सीट आई है उसमें मोदी जी का असर जरूर है। असर जरूर है, लेकिन उनके जो नेता हैं वो सिर्फ मोदी। मैंने क्या कहा, केंद्रीय योजनाओं का राज्य सरकार जो वहाँ थी, राज्य का जो नेतृत्व था, हो सकता है वो पूरी अच्छी तरह से डिलीवर नहीं किया है, अन्यथा और एंटी इनकमेंसी होता है, हर राज्य में होता है, हर जगह होता है, हर चुनाव में होता है, केंद्र और राज्य के चुनाव अलग अलग परिस्थितियों में होता है। लेकिन जिस तरह से बात करें तो अब कांग्रेस कहने लगी है कि 2024 में भी यही जो कर्नाटक में नतीजा आया वो बीजेपी केंद्र से भी उखाड़ फेंका जाएगा, क्या लगता है? नहीं नहीं, ऐसा आकलन मिथक है, अभी सब जो है इस तरह की, अभी 24 की बात, आज इस एक राज्य के चुनाव से 24 के राज्य को मतलब नहीं देखा सकता। आप देख सकते हैं कि यूपी में अभी निकाय चुनाव हुआ है, उस तो इसलिए अभी कहना कुछ भी सही नहीं होगा अभी। क्या सर, आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में मोदी लहर नहीं चल पाया? देखिए, मोदी लहर एक हवा बनाया गया है, बहुत समझ जाइए। मोदी लहर, मोदी लहर, मोदी लहर कुछ नहीं है। मालिक कांग्रेस का इतना दिन साता रहा, उससे थोड़ा लोगों का ये हुआ पूरा हिंदुस्तान भर में, तो लोग चाह के कुछ बदलाव करें हैं, उसमें प्रोपेगेंडा का बहुत हुआ कि मोदी जी ये कर रहे हैं, वो है ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, ये मैंने नियोजन योजना जा रहा है, ये योजना, मतलब योजना कहीं कुछ लगा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये कि मोदी जी के नाम पर लोगों को पूरा मैंने एकत्रित किया गया मोदी जी के नाम पर, बाकी नेता लोग कौन चले गए, कोई नेता नहीं रहा। अब रहा स्थिति ये कि सब युवा है, मोदी जी को भी देख लिया, 15 लाख खाता में देना, 2 करोड़ सालाना रोजगार देना,
तो सारी योजनाएं उनका तो फेल हो गया। अब रहा स्थिति कर्नाटका की जो आप देख रहे हैं, वो स्थिति मिला जुला कर हर स्टेट में होगा। इसी ये कोई दो मत नहीं है कि वो उनकी डाउनवर्ड जाना, अब गिरने की स्थिति आ गई। अब 2024 में सुनिए दूसरी बात, आप लोग यूपी की बात यहाँ कर रहे हैं, यूपी में निकाय चुनाव पूरे केंद्र का चुनाव से नहीं देखा जा सकता, स्टेट का चुनाव नहीं हो सकता है, वो एक निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में दूसरी चीज़ मेयर का चुनाव, मेयर का चुनाव होता है केवल शहर का है, शहर में एक समुदाय के लोग जो जानबे करते हैं, व्यवसायीकरण जो रहता है वो तो मेयर का उसी पर निर्भर करता है। इसलिए मेयर में और निकाय में पंचायत का जो मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, ये सब में उसमें देखिए कोई खास अंतर नहीं, अलग होता है, लेकिन लेकिन मेयर का चुनाव जो होता है शहरी क्षेत्र का है, उसमें इफेक्टेड भाजपा थोड़ा आ जाता है व्यवसायीकरण का। रहा सवाल अदर स्टेट की जो बात आप कर रहे हैं, अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब चुनाव होने जा रहा है। दूसरी चीज़ एक बात बताते हैं, अभी जो चुनाव हुआ है, चुनाव आयोग भी डर रहा था सुप्रीम कोर्ट के डर से। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से थ्रेटनिंग दिया था कि जो चुनाव कराने की प्रक्रिया और जिस तरह के लुजपुज जो कराते हैं जो चुनाव आयोग, उस पर स्टिक रहना चाहिए। लेकिन हमको यही सिर्फ सवाल है कि जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी को जो हार मिली है, तो क्या लगता है 2024 में? 24 में भी जाना ही है, जाना है, जाना है। इसलिए कि अभी देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, ये जितना क्षेत्र में देख रहे, केवल एक दो इस जगह पर छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए इनको यूपी पर जो बात है, यूपी पर ही जो कहते हैं कि हमारा चुनाव में कुछ ही है, लेकिन यूपी भी पहले जैसा अब नहीं रहेगा, ये अब जानिए। तो हम लोगों से जान रहे हैं कि क्या मोदी लहर नहीं चल पाया, जिस तरह से बात करें तो कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहाँ पर नतीजे सामने आया है कि वहाँ पर फुल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। सर एक सवाल, कर्नाटक में आपने विधानसभा के चुनाव का नतीजे देखे? हाँ देखे। वहाँ पर कांग्रेस ने मेजोरिटी से सरकार बनाई है, तो क्या मोदी लहर नहीं चल पाया वहाँ पर? देखिए मोदी लहर तो है ही है, लेकिन अब कहीं कहीं तो सभी जगन्नाथ भी लीजिएगा, कहीं कहीं मिल जाता है किसी को, तो नहीं मिल गया कांग्रेस को? हाँ अरे कोई संयोग है कि मिला जुला करके हो गया। अब पूरा देखिए, अब इतना स्टेट है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमी है ही है। सब खुश रख सकते हैं, आप ही अपना घर में हैं, सबको खुश रखिएगा। लेकिन जिस तरह से बात करें कि मोदी, नरेंद्र मोदी ने कई सभा की है वहाँ पर, फिर भी 64-65 सीट उनका है। जहाँ पर कुछ नहीं उम्मीद था, वो भी 64-65 कांग्रेस ने मेजोरिटी में सरकार बना ली। अरे तो कांग्रेस बहुत पुराना ना है, तो सब कांग्रेस ही है। क्या फिर से लग रहा है कांग्रेस मजबूत हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, कुछ कुछ ऐसा है जहाँ वो करें, कांग्रेस का कोई चांस नहीं रहा। 2024 में फिर नरेंद्र मोदी हाँ वही वे करेंगे, कोई सवाल उठता है सब कुछ पूछे, खुद आप बताइए तो आप नहीं, देखो हम अभी से पूछते हैं, तो आप पब्लिक ओपिनियन में है, हम अपना मीडिया में क्या नहीं, नहीं देखिए सवाल है, देखिए वो तो है, अरे देखिए कुछ कोई जगह तो अपोजिशन भी नहीं रहेगा तो सरकार चलेगा नहीं, आवाज कौन उठाएगा? अपोजिशन आपका तो एकदम बेजोड़ होना ही चाहिए, जो कि कोई जोड़ नहीं हो, समझिए, तब ये सरकार चला सकते हैं मोदी जी। जी लोकतंत्र में तो अपोजिशन, हाँ अपोजिशन बहुत जरूरी है, उनका भी मिल गया एक स्टेट दो स्टेट खाली, क्या है हैं? आपका क्या ओपिनियन है सर इस पर कर्नाटक का चुनाव? मेरा भी वही ओपिनियन है, वहाँ स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, वहाँ महंगाई भी थोड़ा था और इस वजह से वहाँ कांग्रेस अपना, और वहाँ है कि हर 5 साल में सत्ता चेंज हो जाती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, यही फैक्ट काम किया कर्नाटक, यही फैक्टर काम किया। और कुछ वहाँ का राहुल गांधी का जो पदयात्रा निकाले थे उसका भी सपोर्ट मिला, हाँ पदयात्रा जो किए थे से, और ऐसे मोदी लहर अभी इतने जल्दी नहीं समाप्त होने वाला है, तो रहेगा ही, लेकिन अब यह है कि वहाँ का कांग्रेस मजबूत हुई। चलिए, तो हम लोगों से जान रहे थे, जुड़े थे और उनसे सब एक ही क्वेश्चन कर रहे थे, क्या कर्नाटका विधानसभा चुनाव में मोदी लहर नहीं चला? लेकिन सभी लोगों का अलग अलग राय था, उनका कहना था कि, कई लोगों का कहना था कि हाँ मोदी लहर नहीं चला क्योंकि लोग जान चुके हैं कि जिस तरह से 15 लाख जो रोजगार की बात कर रहे किए थे सरकार, उन्होंने नहीं दिया, महंगाई चरम सीमा पर। कई लोग कह रहे हैं कि जो जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था, उनका सफलता मिला कर्नाटक में। तमाम खबर बने न्यूज़ 24 के साथ, नमस्कार।